वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक इनवर्ट ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देख रहे हैं इनवर्ट ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो इनवर्ट ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? a टू द पावर माइनस वन, ए इज अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, हम उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो उस इनवर्स को हम डिनोट करते हैं a टू द पावर माइनस वन से। तो ये होता है इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स a हमें गिवन है और हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 7। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। कौन सा मैट्रिक्स है? ये 2×2 मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये है कि इनवर्स एडजॉइंट ये हम किसका फाइंड आउट करते हैं? इनवर्स एडजॉइंट डिटरमिनेंट ये हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा दूसरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरे मैट्रिक्स स्क्वायर के अलावा दूसरे मैट्रिक्स का हम इनवर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हमें अगर एडजॉइंट या इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इट मस्ट बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना चाहिए, जो भी इनवर्स जिस किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। जिससे पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हम पहले a का कोफैक्टर निकालेंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ a कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो कोफैक्टर ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है? a11 a12 a21 एंड a22। अंडरस्टैंड? क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद ये देखा था कि i प्लस j करने पर अगर इवन वैल्यू मिलती है तो हम प्लस साइन लगाते हैं, और i प्लस j करने पर अगर नेगेटिव अगर ऑड नंबर मिलता सॉरी अगर i प्लस j करने पर ऑड नंबर मिलता है तो हम वहां पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो 1+1 2 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1+2 कितना होता है? 3 होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। 2+1 कितना होता है? 3 होता है, 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एंड 2+2 कितना होता है? 4 होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब a11 की वैल्यू क्या होगी? सो a11 यहाँ पर साइड में लिखते हैं a11 की वैल्यू क्या होगी? सो हम यहाँ पर मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में a11 देखेंगे। सो a11 के कॉलम को भी हाइड कर दो, a11 की रो को भी हाइड कर दो, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा? 7 बचा। सो a11 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ a12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो a12 की कॉलम को भी हाइड कर दो, a12 के रो को भी हाइड कर दो, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा? 5। तो यहाँ पर हम a1 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिमिलर a21 कितना हो जाएगा? सो a21 के लिए भी a21 ये है, तो इसके कॉलम को हाइड कर दो और इसके रो को हाइड कर दो, हमारे पास एलिमेंट 3 बचेगा। सो a21 3 हो जाएगा। नाउ फाइनली क्या बचा हमारे पास? a22 क्या हो जाएगा? 7 है, तो इस 7 के कॉलम को भी हाइड कर दो और इस 7 के रो को भी हाइड कर दो, हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a22 इज इक्वल्स टू 7। अंडरस्टैंड? क्लियर सभी को यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? सिंपली इस कोफैक्टर ऑफ a में
वैल्यूज पुट करना है, तो ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या है ए वन वन मीन्स सेवन, ए वन टू कितना है फाइव है और नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पर माइनस ऑफ फाइव लिखेंगे, ए टू वन कितना है थ्री है लेकिन माइनस साइन है तो हम यहाँ पर माइनस ऑफ थ्री लिखेंगे माइनस थ्री, नाउ ए टू टू कितना है टू है तो हम यहाँ पर ए टू 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 लिख देंगे। अंडरस्टैंड क्लियर सभी को, समझ में आया यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, ये जो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ए आया है इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सेवन माइनस थ्री, फर्स्ट कॉलम में उसको फर्स्ट रो बना दो, सेवन माइनस थ्री, नेक्स्ट माइनस फाइव इन टू सेकेंड कॉलम में उसको सेकेंड रो बना दो, तो माइनस फाइव इन टू, अंडरस्टैंड क्लियर? ये हमारे क्या फाइंड आउट हुआ, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमने फाइंड आउट किया। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे हम, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री, सो सेवन टू इंटू सेवन माइनस इंटू सेवन माइनस फाइव इंटू थ्री, ये हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ये कितना हो जाएगा टू इंटू सेवन फोर्टीन माइनस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, सो फोर्टीन माइनस फिफ्टीन इज नथिंग बट माइनस वन, अंडरस्टैंड? तो ये माइनस वन क्या है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर सिंपली मोड लगा हुआ है तो मोड क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ वन। अब हम क्या करेंगे फाइनली, यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए कितना है, एडजेंट ऑफ ए है सेवन माइनस थ्री माइनस फाइव एन टू डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है वन है, सो फाइनली ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेवन माइनस थ्री माइनस फाइव एन टू, अंडरस्टैंड? क्लियर? ये हमारा फाइनली क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ ए, इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड? क्लियर? सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज हमने डिस्कस किया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इफ अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर दैट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, बी जो है बी क्या है वो ए का इनवर्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो ए इनवर्स फाइंड आउट किया उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा बी है, ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है सेवन माइनस थ्री माइनस फाइव टू इसको हम मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट बी इज इनवर्स ऑफ ए, क्या है कि बी जो है मैट्रिक्स वो ए का इनवर्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, सिंपली b हमने क्या माना इनवर्स ऑफ a, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रख के देखते हैं, सो a डॉट a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट a इज इक्वल्स टू i, अंडरस्टैंड? क्लियर सभी को? तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए,
कि कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हम 3x3 4x4 मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड क्लियर? आई होप कि वीडियो आपको समझ में ही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।